नारद जैसे संत कहते थे मैंने कामदेव को जीत लिया, वो भी विश्व मोहिनी जब सामने आई तो भगवान क्या सुंदर तमामने को पहुंच गया। भगवान कृपा करे तो बात बने, और कोई यदि कहे कि हम तो ऐसे योगी ऐसे धर्मात्मा है, सब झूठ है। अब 100 वर्ष चले, पत्नी चाहिए, मानधाता के दरबार में पहुंचे। मानधाता राजा थे जिनकी 50 कन्याएं थी, और 100 वर्ष बोले राजन हम कुछ मांगने को आए। अब मानधाता को थोड़ी पता था पुट्ठा ऋषि क्या मांगे रखे। मानधाता बोले गुरुदेव मांगो जो मांगो हम देंगे, कहिए कन्या दे दो तुम्हारी जो हमारी पत्नी बन जा। मानधाता बोले महाराज तुम बुढ़े हो गए हो और हमारी बेटियों की उम्र बहुत कम है, हम कैसे दे देंगे बेटी तुम्हारे साथ में कैसे दिलवाए होगा, तुम बुढ़े हो गए हो। 100 पर ऋषि को गुस्सा आया, क्रोध आया, क्यों रे तू मेरे से पुट्ठा कह रहा है। नेत्र बंद किए 100 बार ऋषि ने और अपनी तपस्या से बल्प युवा बनकर राजकुमार बन गया। ऐसी दिव्य कांति ऐसा दिव्य तेज 100 बार ऋषि का, और 100 बार ऋषि पहुंचे मानधाता के दरबार में। 50 कन्याएं निकली और 50 कन्याएं लड़ने लगी, बोली हमारे पति बनेंगे, हमारे पति बनेंगे, हमारे पति बनेंगे। 50 कन्याओं ने 100 वर ऋषि को पति बनाया। सुखदेव जी महाराज कहते लंबा समय ग्रस्त आश्रम में 50 के अलग अलग भवन हैं, सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि तपस्वी था ऋषि, सब कुछ है। तपस्या में ताकत है, भजन में ताकत है, साधना में ताकत है। बहुत समय व्यतीत हो गया। 100 वर ऋषि को लगा मैंने अपनी जिंदगी बताओ भजन करने वाला, और मैंने अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर ली। 50 कन्याओं से कहा परिवार बढ़ गया है, अब हम भगवान का भजन करने को जाते हैं। और 100 वर ऋषि के साथ में 50 देवियां चली हैं। स्वामी आप भजन करोगे तो मैं भी भजन करूंगा। और जंगल में पहुंचे हैं 100 वर ऋषि भी भजन करते करते सदगति को प्राप्त हुए हैं, कि 50 कन्याएं भी भजन करते करते सदगति को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा बाहुक। एक बार राजा बाहुक के राज पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, राजपाल छोड़ करके राजा बाहुक जंगल को पहुंच गए, जंगल में रहने लगे, और बुढ़ापे के कारण बाहुक की मृत्यु हो गई। और बाहुक की जो पत्नी थी वो सती होने के लिए तैयार हो गई, तो महर्षि कौरव आए और कौरव ऋषि ने कहा तुम सती मत हो, तुम गर्भवती हो, तुम गर्भवती हो, सती होने की जरूरत नहीं है। और वो महर्षि ने रोक दिया, और भी स्त्रियां थी जो सोते थी उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, ये गर्भवती है और हमारे यहां संतान नहीं है, तो उनने मिलकर के राजा की पत्नी को जहर दे दिया, बाहुक की पत्नी को जहर पिलाया। जब जहर पिलाया तो और ऋषि के चरणों में गई राजा बाहुक की पत्नी, बोली गुरुदेव मेरे को जहर पिलाया है मेरी सौतों। और ऋषि कहते क्या करेगा जहर, कुछ नहीं करेगा, तू चिंता छोड़ दे। और ऋषि ने अंजलि में जल लिया, मंत्र पढ़ करके जल छोड़ा, सारा जहर उस बेटा के सिर पर इकट्ठा हो गया। गर्भ में जो बेटा था एक जगह पूरा जहर इकट्ठा कर दिया मंत्र पढ़कर, बेटा का कुछ नहीं मिला। और समय आया तो उस पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सगर। गर बोलते हैं जहर के लिए, जहर पर रहा लेकिन मर नहीं पाया, उसका नाम होगा सगर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और बलसिया आशीर्वाद दिया, सगर नाम रखा गया। सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था केशनी और एक का नाम था सुमती।
तो राजा सगर ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया,